द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी टाइम ही नहीं मिला है फोकस करने के लिए कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा है. एक्चुअली हम सब बहुत एंग्शियस है क्योंकि इतनी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है. सो वी आर जस्ट स्वॉम्प्ड विद इन्फॉर्मेशन राइट नाउ. ये मतलब बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, वही हम देख रहे हैं. बस कॉम्प्लीमेंट्स का बाद में सोचेंगे. डेफिनेटली यू नो आई थिंक लोगों को पसंद बहुत आ रही है. यू नो एक्चुअली आपने देखा, यू नो दे कॉलिंग हिम मुनीर, तो एक ही दिन हुआ है रिलीज को आई थिंक, एंड एक्टर्स आर कॉल्ड बाय द नेम्स, दैट शोज की फिल्म का क्या इम्पैक्ट है. और खुशी हमें इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा और तुषार का जो सीन भी था, दरगाह का सीन, वो हमने शुरुआत इसी जगह से की थी. और यू नो माना था कि अगर बोला था कि अगर वो सीन पसंद आएगा लोगों को, फिल्म चल जाएगी, तो हम वापस आएंगे इधर. थैंक्स बोलने के लिए. हाँ, तो आज यू नो आई थिंक वो दिन आ गया कि फाइनली हम लोग यू नो खुदा का यू नो शुक्रिया अदा करने आए हैं कि यू नो फिल्म को इतना कमाल का रिस्पांस मिला है. और इनफैक्ट पहला सीन हमारा यहीं पे शूट हुआ था. जी, जैसे ही पहला ट्रेलर रिलीज किया गया था हमने जैन में, तो अंदाज़ा तो था ही कि लोग देखने ज़रूर जाएंगे, लेकिन इतना पसंद करेंगे, इतने अच्छे रिव्यूज़ भी आएंगे क्रिटिक्स के. 3.5-4 stars इज द एवरेज रिव्यू दैट वी आर गेटिंग. वो आइडिया नहीं था मुझे. किसी का कोई मजहब नहीं होता, एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है. तो मजहब तो दुश्मनी का भी नहीं होता. यू नो आज जब खुदा के इस घर से निकलते ही खुदा के उस घर जाने को भी तैयार हो जा. Hey, 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 hey